जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों के हजारों लोगों के नाम, उनका पेशा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित हैं और उन्हीं के आधार पर वे आम लोगों को कॉल करते हैं, लिंक भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। एजेंसी है खाद और केमिकल्स के लिए, उनका फर्जी वेबसाइट बना के वो लोग डाल देते हैं। उनके पास संदिग्ध हालत में एक उजले रंग की ह्यूंडई कार में बैठे दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। करोड़ों रुपए के साइबर ठगी करने वाले साइबर ठग को पटना पुलिस ने आज कर लिया है गिरफ्तार। आपको बता दें कि खाद कंपनी के नाम पर, खाद कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन शिप के देने पर करोड़ों रुपए के ठगी करने वाले ठग को पत्रकार नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन ठगों का काम था कि खाद कंपनी इफको के नाम पर आपसे कॉल फोन करते थे कस्टमर को कि हम आपको डीलरशिप देंगे इफको कंपनी का खाद का, और उसी पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले ठग को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यह बिहार, राजस्थान, यूपी, बंगाल, नेपाल तक यह साइबर ठग ठगी कर चुके हैं और यह साइबर ठग पटना में हो गए हैं गिरफ्तार। इन साइबर ठगों के पास से तकरीबन हजारों फोन डेटा कॉल पुलिस ने बरामद किए हैं जिसे यह साइबर ठग कॉल करते थे, और यह फोन डेटा बिहार से लेकर के पूरे इंडिया तक के इनके पास फोन डेटा था जो कि लोग कॉल कर करके साइबर ठगी करते थे, और इनके मोबाइल से ऐसे दस्तावेज भी पुलिस को हाथ लगे हैं जिनसे इन साइबर ठगों की करोड़ों रुपए के ठगन गबन करने में मामला साबित हो रहा है। इन साइबर ठगों को पटना पुलिस ने 90 फीट से गिरफ्तार किया है, जहां पर कि रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर इन्हें रोका टोका, उसी अभियान में पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। आपको बता दें कि इनके पास से ऐसे भी दस्तावेज हासिल किए गए हैं जिसमें कि लाखों के ट्रांजेक्शन हैं जो कि यह लोग ठगी के करते थे, उसी में 21 लाख, 5 लाख, 3 लाख ऐसे करके कई दस्तावेज थे जो कि यह साइबर ठगी करते थे ग्राहकों से। यह तो पहले झांसा देते थे कि हम आपको इफको कंपनी का डीलरशिप देंगे, और डीलरशिप देने के नाम पर यह साइबर ठग कस्टमर को ठगी का शिकार बना लेते थे। तो साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ मामला है? बीते रात हम लोगों ने 90 फीट के पास से संदिग्ध हालत में एक उजले रंग की ह्यूंडई कार में बैठे दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, तो उनके मोबाइल फ़ोन्स में ट्रांजेक्शन से काफ़ी डिटेल्स मिले, और पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वे लोग इफको जो एक नेशनल लेवल की एजेंसी है खाद और केमिकल्स के लिए, उनका फर्जी वेबसाइट बना के वे लोग डाल देते हैं, और इफको का जो होता है एजेंसी और फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने के लिए लोग आम लोग अप्लाई करते हैं, और एप्लीकेशन के बाद क्या करते हैं ये लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पर, एग्रीमेंट के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, सप्लाई के नाम पर लाखों रुपए ठग लेते हैं। और उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें देश भर के विभिन्न प्रांतों के हजारों लोगों के नाम, उनका पेशा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित हैं और उन्हीं के आधार पर वे आम लोगों को कॉल करते हैं, लिंक भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। और अब तक जो हमने वेरीफाई किया है, जो लोग इनके ठगी के शिकार हुए हैं, काफ़ी लोगों को हमने कॉल किया, तो तीन लोग सामने आए हैं। एक हरियाणा का पलवल जिला का शिव कुमार है, और एक सावतगढ़ राजस्थान मुंदी जिला का एक वीरेंद्र कुमार है, और एक तमिलनाडु के हैं, और एक बीरभूम का साहिबुद्दीन, मिस्टर साहिबुद्दीन है, और एक हमारे वैशाली जिला के महुआ के रहने वाले एक हैं संतोष कुमार हैं। इन सबों से लाखों रुपए ठग लिया गया इन लोगों के द्वारा, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें डिटेल्स मिला है इनके आधार पर बाकी जो शिकार हुए हैं ठगी के उनके बारे में पता करें, और ताकि और अधिक सबूत जुटा करके इनके खिलाफ़ हम लोग और अधिक कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूत साक्षी। इन ठगों ने पर्चा भी छपवा रखा था कि इफको में ठगी से बचे, और क्या कुछ हो, कैसे वो पर्चा छपा? हाँ जी, इन लोगों ने मतलब ये खुद साइबर ठगी करते हैं, बट इन लोगों ने भी एक इनके फ़ोन में एक डॉक्यूमेंट मिला है, उसमें इन्होंने खुद ही लिखा है
कि इफ्को के नाम पर ठगी से बचे, जबकि खुद भी ये लोग साइबर ठग थे। उस पर्चा को लोगों के बीच बांटते थे या साटा करते थे? नहीं सर, वो इनका अपना जो फर्जी वेबसाइट उसमें उन्होंने डाल रखा था ताकि आम लोगों को ये यकीन हो कि वास्तव में ये इफ्को का असली वेबसाइट है। करोड़ों का गबन का मामला लग रहा है। जी हाँ सर, अब तक हम लोग सत्यापित करेंगे तो सर अब तक हमने सिर्फ 5 आदमी जो सामने आए हैं उन सबों से ही लगभग 20-25 लाख की ठगी का मतलब मामला सामने आया। हम लोग प्रयास करेंगे सर कि बाकी जो आम किसान लोग हैं इनका शिकार होने से बचें। सर किसान का पूंजी बहुत मेहनत। गिरफ्तारी के दौरान उन लोगों ने मतलब पुलिस को दिग्भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया, बचने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने लॉफुली बढ़िया से काम किया और फिर उसको डिटेन करके गाड़ी में मौजूद जो बैग था जो बरामद किया गया उसे फेंकने का प्रयास। जी हाँ, उन लोगों ने बैग फेंकने का प्रयास किया। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग हुए हैं सर। कहाँ के रहने वाले बताए? एक सर उसमें से जो रंजन उर्फ अंकित है वो कतरीसराय का रहने वाला बेसिकली है, दूसरा एक मुरारी आनंद है वो रहने वाला औरंगाबाद का है, बट दोनों आदमी अभी वर्तमान में एक भोपाल में रहते हैं और एक आदमी रहते हैं नोएडा में। वो रंजन उर्फ अंकित ने बताया कि वो लोग लगभग 2019 से कर रहे हैं सर। खाद की कालाबाजारी या खाद की किल्लत हुई थी उसको? हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया था जब खाद की काफ़ी मांग थी तो उन समय इन लोगों ने उसका नाजायज़ फायदा उठाने के लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाकर डाल दिया इफ्को का। एजुकेटेड ठग थे? हाँ जी हाँ सर, ये लोग बहुत अच्छे हिंदी अंग्रेजी बोल रहे थे हम लोगों। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।